भी तीन कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने रोड जाम किया। इस दौरान सरकार ने रोष स्वरूप नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि किसानों द्वारा प्रस्तावित रोड जाम करने के अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दो मुख्य मार्ग जाम किए गए। इसमें मूनक गगसीना हाईवे व बरसत के पास स्थित रोड शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कों पर जाम लगाए रखा। किसानों ने नाका लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन का रवैया नरम रहा और उन्होंने किसानों के साथ ज्यादा रोका टोकी नहीं की। किसान पदाधिकारियों ने बताया कि 19 किसान संगठनों के आह्वान पर जिले में 18 नाके लगाए गए थे, जबकि क्षेत्र में 2 नाकों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान की सुध लेने वाला वैसे ही कोई नहीं था, अब 3 कृषि अध्यादेश लाकर किसानों की दुर्दशा और ज्यादा खराब करने की योजना है। किसानों ने कहा कि 2017 से 18 में हरियाणा के किसानों द्वारा उत्तराखंड में किसानों द्वारा डाले गए गन्ने की पेमेंट अब तक नहीं हुई है, जबकि उत्तराखंड व केंद्र में भाजपा की सरकार है। मंडियों में किसानों की धान की दुर्गति हो रही है। किसानों को एमएसपी के रेट नहीं मिल रहे हैं। यदि मंडी सिस्टम ही खत्म हो गया तो किसानों की दुर्दशा और ज्यादा खराब होने वाली है। किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता व बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि यह कृषि अध्यादेश पूंजीपतियों को ताकत देता है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से अडानी अंबानी कंपनी किसानों को लूटेगी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के साथ है। किसानों ने सरकार को चेताया कि किसानों का संघर्ष लंबा चलने वाला है और वह भूख हड़ताल सहित अन्य तरीकों से विरोध प्रदर्शन करेंगे। गगसीना में 96 वर्षीय बुजुर्ग प्रीतम सिंह ने देश का ढांचा बिगड़ चुका यह रागनी गाकर अपनी बात रखी। अध्यादेश जो आज राज्यसभा से भी पारित हो गया, ये देश के किसान के भविष्य को पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम करता है। ये अध्यादेश ना तो किसान की बात करता, ना ये अध्यादेश व्यापारी की बात करता, ना ये मजदूर की बात करता। ये अध्यादेश सिर्फ पूंजीपतियों को ताकत देता है वो किसान की फसल को मंडियों से बाहर खरीद सके, और उस खरीद में एमएसपी किसान को कैसे मिले उस पर यह अध्यादेश चुप्पी साध। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि किसान अपनी फसल को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में एमएसपी से कम बेचने के लिए मजबूर होने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा, और मंडियां बंद होने के कगार पर हरियाणा और पंजाब के अंदर और पूरे देश में चली जाएंगी। जब पूरी फसल की खरीद की प्रक्रिया में से मंडियां खत्म होंगी तो किसान को एमएसपी के ऊपर फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कल मोदी जी का बयान आया कि एमएसपी मंडियों के अंदर पूरा मिलेगा, और खट्टर साहब का भी बयान आया अस्पताल से छूटते ही कि मंडियों में पूरा दाम मिल रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ देश के प्रधानमंत्री को और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो हरियाणा की किसी मंडी में चले जाएं, धान पीआर अभी तक ना तो सरकारी खरीद शुरू हुई और 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल के अंदर धान पीआर हमारे किसानों की पिटने का काम हो रहा है। नहीं, कुछ साथियों ने इस बात को उठाया, कुछ गलतफहमी थी। कांग्रेस पार्टी ने पूरा विपक्ष की भूमिका वहाँ रखी, कोई वॉकआउट नहीं हुआ, पूरा डट करके उस बिल का विरोध हुआ, परंतु सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए ध्वनिमत के माध्यम से, ध्वनिमत का मतलब है आप धक्काशाही आप करने का काम कर रहे हैं, ध्वनिमत के माध्यम से इस बिल को पास करने का काम कर दिया। ये भी देश के इतिहास में एक काला अध्याय है। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कांग्रेस के नेताओं ने जेलों में अपना जीवन काट करके देश को आज़ादी दिखाई। अब भी स्थिति वैसी है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब अडानी अंबानी कंपनी है। तो मुझे लगता है देश के अंदर दोबारा से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, और उस लड़ाई में जैसे 70 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने जेलें काटी थी, दोबारा कांग्रेस के चाहे छोटा कार्यकर्ता है बड़ा कार्यकर्ता है जेलें काटने के लिए तैयार। चूली साथ देगी कांग्रेस ने हमेशा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, दोबारा एक लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के 19 किसान संगठनों के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा में चक्का जाम 12 से 3 बजे का रखा गया है, और उसी के तहत हमारे गरोंडा क्षेत्र में 2 जगह हमारा चक्का जाम है,
एक चक्का जाम तो हमारा जीटी रोड से इधर गक्सीना गांव में करनाल मूनक हाईवे पे है और दूसरी तरफ चक्का जाम गांव बरसत में है। पूरे करनाल की बात करें, पूरे करनाल में 18 नाके ऐसे चल रहे हैं जहां पर किसान धरने पे सड़क रोककर चक्का जाम करके बैठे हैं और पूरे हरियाणा से रिपोर्ट आ रही है लाखों किसान घर से निकल के सड़कों पे हैं और पूरे हरियाणा के किसान सड़कों पे आकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और जगह जगह चक्के जाम है। हमने आज रास्ता मजबूरी में जाम किया, हम रास्ता जाम करके खुश नहीं है, लेकिन सरकार ने मजबूर किया रास्ता जाम करने के लिए। हमने 2 महीने के हम सड़कों पर बैठे हैं, किसी न किसी माध्यम से सरकार को जागृत कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि आप जो ये काले कानून लेके आए हैं ये काले कानून हमें मंजूर नहीं है, हमारे ऊपर जबरदस्ती मत थोपो, अगर आपको देना है तो हमें MSP की गारंटी दो, एक गारंटी कानून बनाओ जिसमें ये नियम होना चाहिए कि जो भी MSP से कम रेट में जमीन हमारी फसल खरीदेगा, जीनस खरीदेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह कानून बनाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, आपने तो हमें बंद कर दिया, हमारी मंडियाँ ख़त्म कर दी, हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास मंडियाँ नहीं होंगी। आपने बोल दिया 1 नेशन और 1 मंडी, अरे हम कहाँ फिरेंगे, अपने हम अपना खेती करेंगे कि अपने फसल उठाओ फिरेंगे हम दिल्ली कलकत्ता। आत्महत्या कर रहे हैं सरकार की नीति को करने की वजह से, अगर सरकार की नीतियाँ सही होती तो किसान आत्महत्या नहीं करता। अरे किसान जो सारे देश का पेट भरता है और वो आत्महत्या कर रहा, अरे क्यों कर रहा भैया, तो देखो मोदी जी इनके घरों में जाकर देखो इन घर में क्या चीज़ है, कितनी तकलीफ है इनको। आज के ये धरने के बाद में जाम के बाद में हमारी मीटिंग है, हम मीटिंग करके उसको निश्चित करेंगे कि अगला कदम हमारा क्या होगा, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हम अगली कार्रवाई क्या करेंगे। या तो सरकार चेत जाएगी, और मेरी विपक्षी पार्टी से भी मेरी अपील है कि आप लोग हमारे बीच में कल को जरूर आओगे क्योंकि आपको वोट चाहिए, लेकिन हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारे के लिए संसद में और विधानसभा में आवाज़ उठाओगा, इस बिल के विपक्ष में इस बिल के एंटी वोट करेगा। इस बिल को आप रोक सकते हो क्योंकि हमने पावर आपको दी है, आपको वहाँ बुला के भेजा है, आप इसको रोको, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, अगर नहीं आवाज़ उठाते तो इसका कामयाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन दूर नहीं है, हम आपको बताएंगे वोट की चोट क्या होती है। विपक्षी पार्टी आज खाली अखबारों में बयानबाजी करती हैं, हमें अखबारों की बयानबाजी नहीं चाहिए। अरे किसानों के बीच में आओ, हमारे धरने पे आओ, हमारे झंडे के नीचे बैठ के किसानों का दुख देखो, उनकी आवाज़ उठाओ, संसद में आवाज़ उठाओ, हमारी विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाओ, और हम जब जानेंगे कि आप हमारे ही देसी हैं, नहीं तो आप भी ऐसे ही देसी हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।